सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर उसे हासिल करने का जिगर सबके पास नहीं होता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपना सब कुछ खोकर भी अपने सपने का साथ नहीं छोड़ते हैं, और उन्हीं में से एक है अंतिम ओवर में लगातार 5 छक्के लगाने वाले रिंकू सिंह। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 के एक स्पेशल एपिसोड कहानी रिंकू सिंह की। आज तो रिंकू सिंह के पास नेम, फेम, मनी सब कुछ है, लेकिन रिंकू सिंह के लिए ये सब पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने बुरे दिनों को देखा है कि जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, बल्कि तगड़े मेहनत करके अपने सपने को सच करके दिखाया। दोस्तों, इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि टीम इंडिया में लगभग जितने भी क्रिकेटर आए हैं, उन सभी ने अपनी जिंदगी में कई सारे दर्दनाक समय को झेला है। लेकिन वही दोस्तों, रिंकू सिंह की भी स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो आपको अंदर से पूरी तरह झकझोर देगी। दोस्तों, रिंकू सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता साइकिल से घर घर गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया करते थे, जबकि उनका एक भाई ऑटो चलाते थे, तो वही दूसरा भाई एक कोचिंग सेंटर में काम करते थे। उस समय उसके पूरे परिवार की कुल आमदनी 10 से 12 हजार रुपया थी, जिससे उसके परिवार का बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो पाता था। और वहीं ऐसी ही स्थिति में रिंकू सिंह के आंखों में क्रिकेटर बनने का सपना पल रहा था। लेकिन एक कहावत है ना कि सिर्फ सपने देख लेने से ही मंजिल नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। और यही हाल रिंकू सिंह का भी था, क्योंकि उन्होंने सपना तो देखा था, लेकिन हर कदम पे उनके घर के हालात उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती थी। शुरुआत में उनके लिए सबसे कठिन काम था अपने पिता को कन्विंस करना, क्योंकि अधिकांश क्रिकेटर की तरह उनके पिता भी उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे, जिसके कारण से उन्हें क्रिकेट के लिए पिता से खूब डांट और मार भी खानी पड़ती थी। और इसका मुख्य कारण ये था कि उनके पिताजी चाहते थे कि रिंकू घर के कामों में हाथ बटाए और घर के लिए कुछ पैसे कमाए। और एक समय ऐसा भी आ जाता है जब उसका हिम्मत जवाब देने लगता है, और तब वो सोचते हैं कि क्रिकेट वो छोड़ देंगे और कोई नौकरी करके घर के कामों में हाथ बटाएंगे। पर नौकरी में उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो नौवीं फेल था, और ऐसे में उसे नौकरी कौन देगा, क्योंकि शुरुआत से ही उसको पढ़ाई में कम क्रिकेट में ज्यादा मन लगता था, और ऐसे में उन्हें नौकरी मिलना बहुत ही कठिन था। लेकिन कैसे भी करके उसके बड़े भाई ने कोचिंग सेंटर में उसको साफ सफाई के काम में लगा दिया, लेकिन ये काम उसको रास नहीं आई और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मन बनाया कि वो कोई भी छोटी मोटी नौकरी नहीं करेगा, बल्कि क्रिकेट में ही अपना कैरियर बनाएगा। और यहाँ से अब वो अपनी मेहनत दुगुनी कर देते हैं, क्योंकि उनको ये बात भली भांति पता था कि कोई उनको और उनके पूरे परिवार को गरीबी से निकाल सकता है तो वो है क्रिकेट। अब वो पहले लोकल क्रिकेट में अपना लोहा मनवाने में लग जाते हैं, जहाँ उसको एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के रूप में एक बाइक मिलती है। ये बाइक वो अपने पास नहीं रखते हैं, बल्कि अपने पिता को दे देते हैं, ताकि वो साइकिल के जगह बाइक से दूसरों के घर सिलेंडर पहुँचा सके। अब यहीं से उसका सिलेक्शन आगे के और भी होता गया, और जैसे जैसे उसको इनाम के तौर पर कुछ पैसे मिलते गए, वैसे वैसे घर वालों का भी विश्वास उस पर बढ़ता गया। अब उनके पिता को भी ये एहसास होने लगा था कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं कुछ अलग कर सकता है और हमारी गरीबी दूर कर सकता है। इसके बाद जल्द ही उसका सिलेक्शन IPL के लिए हो जाता है, और यहाँ से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन अब भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रिंकू सिंह को साल 2017 में पंजाब ने 10 लाख रुपए में खरीद तो लिया था, लेकिन उस सीजन में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। और फिर आता है साल 2018, और उस सीजन में KKR उसको 80 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, लेकिन KKR के भी टीम में उसको ज्यादा मौका नहीं मिलता है। और फिर उसके जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब एक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए उसके घुटनों में चोट लग जाता है, जिससे उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही ये मुश्किल टली भी नहीं होती है कि फिर से एक मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि BCCI उसको एक नियम के उल्लंघन के लिए 3 महीने के लिए बैन कर देती है। और ऐसे में उनके घर मातम सा छा गया था, क्योंकि सबको अब रिंकू सिंह का कैरियर खत्म होते हुए दिख रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, और KKR ने साल 2022 में फिर से उसको 55 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। और इस बार जब वो फिर से KKR टीम में लौटे तो कुछ अलग ही अंदाज में लौटे, क्योंकि इस बार उन्होंने अपने हाथ से एक भी मौका जाने नहीं दिया। इस बार उसको जब जब मौका मिला तब तब उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। और वहीं यदि बात रही गुजरात टाइटंस के खिलाफ उसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस मैच में तो उन्होंने हिला करके ही रख दिया, क्योंकि इस मैच में उन्होंने अंतिम ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर पूरी दुनिया को ही हैरान कर दिया और गुजरात टाइटंस के मुंह से मैच छीन लिया। इसी के साथ उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि अगर आप में आगे बढ़ने की जुनून है तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। वैसे दोस्तों, रिंकू सिंह इस बार अपने बल्लेबाजी के दम पर KKR को ट्रॉफी जिता पाएंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। वैसे दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि आपके छोटे से सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।